आज हम जोबैक्स टैबलेट इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। मिलोक्सिकैम इसका जेनेरिक फार्मूला है और ये 7.5 मिलीग्राम में इस टैबलेट में शामिल होती है। अब देखते हैं कि इस टैबलेट को किस मकसद के लिए और इससे हमें कौन से फ़वाद हासिल हो सकते हैं। ये एनसिड्स है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो फ़वाद के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बुखार है, जिस्म में आपके कहीं भी दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, टांग में दर्द है, या आप दांत में दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है आपके जिस्म में, तो उसको ख़त्म करने के लिए एनसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे अहम है। अगर किसी को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है एनसिड से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एस्पिरिन से या किसी और एनसिड से एलर्जी थी, कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ था, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको गुर्दे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध पिलाने वाली माएँ इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। हामला खवातीन हमल के दौरान इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये वो लोग हैं जो कि इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुजरसियत असरात क्या क्या हो सकते हैं। आपको उल्टी आ सकती है इसकी, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके मैदे में अल्सर काज कर सकती है, ये आपको इससे अल्सर हो सकता है। इसके अलावा ये जीआईटी ब्लीडिंग आपको इससे हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। दिल के मसाइल हो सकती हैं, इसके अलावा सांस के मसाइल हो सकते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो ये इसके जो है ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं। अब डोज के बारे में बात करते हैं, आखिर इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह शाम आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो है ना दर्द, सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, मुख्तलिफ इस्तेमालात के लिए इसकी डोज जो है ना मुख्तलिफ है। तो आप अगर ज़्यादा दर्द है आपको, तो दो टैबलेट, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। तो ये आज का टॉपिक इस टैबलेट के बारे में था। उम्मीद है आपको तफसीलन समझ आ गई होगी। शुक्रिया।